हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो अभी हम लोग यहाँ पर अल्ट्रा लीग प्रीमियर कप चल रहा है, तो ये मैंने यहाँ पर 7 मैच खेले गाइस। पहला मैच इंट्रो के लिए था, बट ये मैच इतना छोटा है कि इसमें इंट्रो में दे ही नहीं पाया गाइस, तो इसको जाने दो। दूसरा मैच गाइस, तो ये जो पहले 2 मैच है गाइस, ये मैच किसी और सेट के हैं गाइस। तो ये मैं जीत गया गाइस। मेरा एक्चुअल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था किसी वीडियो में डालने के लिए, बट मैं फिर रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैं जीतता गया जीतता गया जीतता गया भाई। मैं यार विश्वास नहीं मान रहा भाई, ये मिलोटिक कर क्या रही है यार। कोवी पोकेमोन आने दो यार, मतलब यार हद होती है यार जीतने की यार भाई। गाइस अगर आप लोग का मिलोटिक है तो उसको यूज़ करो, बहुत मस्त पोकेमोन है। मैंने पहले भी कई बार वीडियोज़ बनाई हैं, बट भाई मिलोटिक ऑसम है यार। मतलब इसका जो वाटरफॉल का जो डैमेज है ना यार, वो किसी को टिकने ही नहीं दे रही यार। ऊपर से जो ये बल्की है, मतलब इसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा अटैक्स, बहुत कम मतलब वीकनेस है इसकी गाइज। मैंने अभी तक मिलोटिक को कभी कवर नहीं किया है बेस्ट मूव सेट वीडियो में। तो अगर आप लोग की यहाँ पर लाइक्स अच्छे रहे गाइज, अगर लाइक इसमें मतलब 100 क्रॉस हो जाते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसके ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी पोकेमोन स्विच करने की, और ये स्विच करके लेके आगे गेंगार। गेंगार की वीकनेस कहीं ना कहीं ड्रैगन भी है गाइज। उसकी वीकनेस की लिस्ट में आता नहीं है, बट ड्रैगन काफ़ी अच्छा डैमेज छोड़ता है गाइज। बात ये गाइज कि मैं शील्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, उसका स्लज स्लज बॉम्ब है, स्लज वेव है, स्लज बॉम्ब है गाइज, जो कि मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर गाइज इस वीडियो में आप देखेंगे तो ड्रैगनाइट काफ़ी अच्छा लीड कर रहा है गाइज। तो कुछ भी ले आओ यार, कुछ भी ले आओ, बस फेरी आइस मत लाओ भाई, झेल लेगा लड़का, बहुत अच्छा है ये वाला भी गाइज। ये मैच काफ़ी रैंडम थे, और यहाँ पर मैं भी काफ़ी सरप्राइज था कि मैं इतना जीत क्यों रहा हूँ। वैसे मैं जीतता हूँ तो मैक्सिमम 4 मैच जीतता हूँ, मिनिमम 3 मैच। कभी कभार स्ट्रीमिंग कर रहा हूँगा तो उसमें तो मतलब फिर आप जानते हो, ध्यान चैट में रहता तो उसमें कम जीतते हैं गाइज। इसके बाद अर्थक्वेक नहीं है गाइज, अर्थक्वेक का बॉर्डर था मुझे, और ये मैच थोड़ा सा लक था गाइज। तो ये जो 2 मैच आप लोगों ने देखे, ये तो मतलब एक इंट्रो था गाइज। तो करते हैं हम स्टार्ट वीडियो गाइज। तो जीवीएल है गाइस, जीतना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप जीवीएल में नहीं जीत रहे हैं तो मैं एक वीडियो लगा दूंगा आई बटन में, कहीं भी चेक कर लेना गाइस, आई बटन ऊपर बना रहता है, तो उसको चेक करने से ये होगा कि आप लोग थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कैसा जीवीएल खेलनी है बस। सो गाइस सामने है 9th रैंक का प्लेयर है गाइस, और इसकी रैंक 9th है, बट काफ़ी हारने की वजह से नीचे आ गया होगा। सो स्वाम्पट है, स्वाम्पट वाटर और ग्राउंड टाइप, तो उसकी डबल वीकनेस ग्रास टाइप है गाइस, और मेरे पास ग्रास टाइप है। तो गाइज आप लोगों के लिए एक टिप रहेगी, कभी भी मतलब स्विच मत करो, इतना जल्दी डिसीजन मत लो गाइज। तो यहाँ पर हमारे सामने जो पोकेमोन है, मुझे पता है ड्रैगन क्लो करने वाला है गाइज, बहुत सुंदर है सबटाइल यार, शाइनी सबटाइल गाइज। इसका ड्रैगन क्लो मेरे लिए काफ़ी मतलब हानिकारक रहेगा, बट अब सारी शील्ड तो दे नहीं पाएंगे गाइज। तो यहाँ पर गाइज मैं कोशिश करता हूँ कि तुरंत अटैक ना करूँ, मतलब जब कोई नया पोकेमोन सामने आता है ना, तो उसको ना थोड़ा डैमेज दो गाइज, उसको इतना डैमेज दो कि सामने वाला बंदा सोचे कि शील्ड यूज़ ना करूं। अगर आपको उस पोकेमोन को ख़त्म करना है, उस केस में आप कोशिश करना कि उस बंदे को ज़्यादा डैमेज करके अपना चार्ज अटैक करो गाइस, ताकि वो शील्ड यूज़ ना करे। अगर शील्ड यूज़ करवानी है तो फटाफट चार्ज अटैक करते रहो गाइस, वो शील्ड यूज़ कर लेगा। कभी कभार ऐसा होता है गाइस कि जैसे कि मेरे सामने भी ये है गाइस, गेंगार है गाइस, गेंगार नहीं, एक एग्जांपल मिल जाएगा आपको आगे वीडियो में, शायद मिल जाए। कभी कभार ऐसा कंडीशन आ जाती है गाइस कि सामने वाला जो पोकेमोन है, उसको ख़त्म करने के लिए आपके पास कोई पोकेमोन नहीं है गाइस। तो वो कंडीशन आएगी तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, जल्दी आने वाली है, मुझे याद आ रहा है। तो गाइस गेंगार है, तो इस पर हम लोग वाटरफॉल का डैमेज यार मैटर नहीं करता, सामने कौन सा पोकेमोन है बिल्कुल मैटर नहीं करता। ग्रास टाइप पे भी वाटरफॉल का डैमेज काफ़ी अच्छा है। तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे अपने पास एक शील्ड है, अपन बहुत आगे, और ऊपर से स्वाम्पट, क्या कर सकते भैया। इसका अर्थ को एक, मैं गाइस काफ़ी कंफ्यूज था कि क्या करूं, क्योंकि स्लज वे भी मार सकता है, अर्थक्वेक भी मार सकता है, तो मैं चलो शील्ड यूज़ कर ही लेते हैं, अगर इसके पास डबल चार्ज होगा तो भी हम लोग देखा जाएगा गाइस। तो ये फिर से 9th वाले रैंक के प्लेयर ज़्यादा आ रहे हैं यार, पता नहीं यार, मेरे मेरे को भी 9th ही लिख, 9 रैंक ही लिख दो यार। सो गाइस 4 हज़ार, तो यहाँ पर एक अच्छी लीड है गाइस, स्विच करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर ये ग्रास टाइप पोकेमोन, तो इसलिए मैं इसके सामने फ्लाइंग टाइप पोकेमोन लेके आ गया हूँ। फ्लाइंग और ड्रैगन टाइप है अपने, तो ड्रैगन ब्रेथ का डैमेज कम है, बट कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस।
मतलब यार अब खुद सोचो यार, एक बंदे ने ब्रश नहीं कर रखा, तुमसे लगातार बातें कर रहा है, तो ड्रैगन ब्रेथ इज ऐसे ही है मतलब। तो अभी अपन यहाँ पर एक इसका स्लज बम खाना ही पड़ेगा यार, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक शील्ड तो दे ही दूँ यार, अगर कोई पोकेमोन बढ़िया खेल रहा होता है तो। सामने देखिए गाइस, फेरी टाइप पोकेमोन है शायद, हाँ फेरी टाइप है। तो गाइस यहाँ पर अब क्लियर भी नहीं, तो क्लियर भी नहीं गाइस, ये स्विच करेगा 110% और हम भी स्विच करेंगे 120% गाइस। ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि आपको स्वैप करना आना चाहिए हमेशा, मतलब पोकेमोन पे ध्यान मत दो, सामने पोकेमोन क्या आ रहा है आपको क्या ध्यान देना है गाइस, राइट साइड ऊपर की तरफ जहाँ पर पोकेमोन का नाम सीपी लिखा रहता है, वहाँ सिंबल लिखे रहते हैं गाइस कि क्या पोकेमोन आने वाला है, तो वो सिंबल पहले दिख जाते हैं गाइस, वो सिंबल पे ध्यान दो कि सामने कौन सा पोकेमोन आ रहा है, और लगता तो स्विच कर लो तुरंत, नहीं तो वेट करो कि क्या। कई बार क्या होता है कि सामने फेरी टाइप पोकेमोन आ रहा है बट वो फेरी अटैक कर नहीं रहा है, ऐसा भी होता है गाइस। तो अभी यहाँ पर कर लो जितनी शील्ड यूज़ करनी है, इनके पास एंशिएंट पावर है गाइस, मुझे फ्लेम थ्रोअर का डर था इसलिए शील्ड यूज़ की, मुझे नहीं पता कब से ये चार्ज कर रहा है, मैं काउंट नहीं करता गाइस, बहुत गलत बात है मेरी, मुझे काउंट करना चाहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया जो प्लेयर हैं गाइस वो लोग काउंट करते हैं कि वो सामने वाला कितने अटैक पे अटैक कर रहा है गाइस, उनको याद रहता है कि ये फ्लेम थ्रोअर करने वाला है, ये वाले अटैक करने वाला है। तो अपन टीम रिपीट कर रहे हैं गाइस, ये पूरी वीडियो हमारी डेडिकेटेड है मिलोटिक पे, आप देख रहे हैं गाइस क्या मस्त रोहित शर्मा की तरह खेल रहा है, बट बल्कि उससे बेटर खेल रहा है, आउट नहीं हो रहा है ये। स्वाम्पट फिर से आ गया गाइस, तो ग्राउंड है तो समझ जाओ गाइस, मैं एक्चुअल में यही सोच रहा था कि अगर बाई चांस स्वाम्पट आ गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई पोकेमोन नहीं है और वीनासोर बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ है, फिर याद आया कि स्वाम्पट के पास ग्राउंड वाली एबिलिटी भी है गाइस, ग्राउंड वाली एबिलिटी की वजह से बिजली उजली भी झेल लेता है। तो गाइस यहाँ पर अपना पोकेमोन बहुत बढ़िया खेल रहा है गाइस, सामने स्टील और बग टाइप पोकेमोन है, स्टील वाटर सामने वीक है गाइस, बग होने की वजह से मैं दूसरा वीनासोर नहीं लेके आया, और मुझे पता ही नहीं कौन कौन से अटैक करेगा, इतना एक्सपीरियंस नहीं है गाइस, बल्कि इस पे ड्रैगनाइट काफ़ी अच्छा असर कर रहा है गाइस, नेक्स्ट टाइम जब भी ये पोकेमोन आए ड्रैगनाइट आगे लाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आ गई वो कंडीशन, बाप बाप होता है गाइस, चारिज़ार्ड बहुत अच्छा पोकेमोन है नो डाउट, बट जब तक चारिज़ार्ड के पास ड्रैगन ब्रेथ नहीं आएगी ना गाइस, तब तक इन मैचों में ड्रैगनाइट लीड करेगा, ड्रैगनाइट की यार थोड़ा यार ज़्यादा मतलब हुआ है गाइस, मतलब बराबरी कहेंगे, ड्रैगनाइट फेरी के सामने वीक है, वहाँ चारिज़ार्ड फेरी को पेल देता है गाइस। तो यहाँ पर इन्होंने फिर स्वैम्पट लाके, मतलब क्या करें, इनके ऑप्शन ही नहीं कुछ लाने का गाइस, तो ये लग रहा है कितने इजी मैच लग रहे हैं गाइस, जब हम लोग जीतते बड़ा मजा आता है खेलने में, इसका जो ये अटैक है स्लज वेव ये मतलब जानलेवा है गाइस, मेरे को ये अटैक बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस। तो मैं जिस मैच की बात कर रहा हूँ शायद से वो मैच ये वाला हो सकता है, शायद से, इतना श्योर नहीं हूँ गाइस, देखते हैं क्या है। ओके रैंक 9 वाले मेरे पीछे पड़ गए गाइस, मुझे नहीं पता क्या करवाएंगे गाइस। ओके गाइस ये वही मैच है, मेरी पूरी टीम साइकिक के सामने वीक है गाइस, अब मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि ये बंदा शील्ड यूज ना करे, इसका लीफ ब्लेड मुझे खत्म कर देगा, इसका साइकिक अटैक मेरे सारे पोकेमोन खत्म कर सकता है गाइस, तो बस मेरे को यही चाहिए था कि ये शील्ड यूज ना करे, और गाइस इसने शील्ड यूज नहीं की, और इसका दूसरा अटैक आने से पहले अपना वाटरफॉल ने कमाल कर दिया। सो गाइस अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, भाई चलो यार वो पोकेमोन गया काम से, इसको तो हम लोग हमारे तीनों पोकेमोन इसको मतलब ख़त्म कर सकते हैं, ये पोकेमोन मुझे बहुत पसंद है, बट सिर्फ इसीलिए पसंद है क्योंकि मेरे पास ये पोकेमोन इतने सीपी का नहीं है कि मैं यूज़ कर पाऊँ। तो इसके पास ड्रिल पिक है गाइस, तो ड्रिल पिक मेरे विनासोर के लिए अच्छा नहीं है, बट मैंने फिर भी विनासोर ले लिया क्योंकि मैंने देखा वाटर टाइप पोकेमोन स्टील टाइप है तो ग्रास थोड़ा मतलब अच्छा इफेक्ट करेगी, पर रास्ते में आगे चारिज़ार्ड, मैंने चलो भाई चारिज़ार्ड को एक पॉइजन थोक के चलते हैं भाई, कमला पसंद है भैया। तो गाइज ये सामने वाला बंदा का नेट चला गया, यहाँ पर लक लक इज देयर, उसका नेट चला गया और उस बीच में मैंने फटाक से स्विच करके उसको ख़त्म कर दिया गाइज। अपना ये ड्रैगनाइट की यही प्लस पॉइंट है गाइज, वाटर अटैक से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो वाटरफॉल चारिज़ार्ड को ख़त्म कर देता है गाइज, ठीक है। तो ये मैच अपन जीत गए, सामने वाले बंदे ने ऐसे ही हार मान ली, वो समझ गया था गाइज कि कहाँ प्रवीण भैया को हरा पाएंगे। सो गाइज अभी एक और मैच बाकी है गाइज,
तो गाइज ये कैसा लग रहा है कमेंट करना प्लीज़, अगर अच्छा लग रहा हो, मैच में मज़ा आ रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो गाइज, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना गाइज। तो यहाँ फिर से एक बार फिर मिरोटिक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया गाइज। यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई गाइज, स्विच नहीं हुआ पोकेमोन, इधर थोड़ी दिक्कत हो गई गाइज, पोकेमोन स्विच नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा गलत लगा। बट किस्मत है अपनी, यहाँ पर आप लोगों का प्यार है गाइज, आप लोगों के लाइक्स दिख रहे हैं मेरे को, बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, इसको बढ़ाओ गाइज, लाइक्स को बढ़ाओ गाइज। आप लोग लाइव स्ट्रीम में इतने लाइक नहीं करते, बट यहाँ करो यार, आपके लाइक बहुत मोटिवेट करते हैं। अब ये मैं सोचे चैनल किसी और का, ये चैनल आपका ही है गाइज, आप जो बोलोगे वो वीडियोज़ आएंगी इस चैनल, वो वीडियोज़ आएंगी गाइज। और अगर आपको पता भी, आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट उठाता हूँ मैं। तो गाइज़ यहाँ पर पॉइजन से डर लगता है, बट क्या कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर स्नो वाला आ गया, तो भैया दिक्कत होने वाली है। स्नो के लिए बस हमारे पास स्वाम्पट है, स्वाम्पट बोल रहा हूँ, मिलोटिक है। मैंने पिछले सीजन स्वाम्पट के ऊपर अपना एलाइट चार्ज टीम यूज़ किया था गाइज, जिसका मैंने यूज़ अभी तक नहीं किया गाइज, बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं। तो वही है यार, मतलब ये सब बहाने हैं कि मेरे पास लेगेसी अटैक नहीं है गाइज। लेगेसी अटैक होने के बाद भी हम लोग इतना यूज़ नहीं करते उन पोकेमॉन्स का, तो ये गेम हम लोग यार, ये तो मतलब क्लियर विन है गाइस। अब वो अर्थक्वेक मार दे अलग बात है गाइस, वैसे क्लियर विन है। राइट ऑन वाली फैमिली है भाई, रिपीटर हो गई, ये सारे पोकेमॉन मुझे इतने पसंद नहीं है, क्योंकि इनके अटैक्स बहुत लेट आते हैं, बहुत स्लो पोकेमॉन है गाइस। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस, एंड लव यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस, ताकि मोटिवेशन मिले, और इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। इसकी प्लेलिस्ट का नाम है गो बैटल गो, मैंने इसमें बहुत मैच खेले हैं गाइस, इस सीज़न के नहीं है, स्टार्टिंग से खेल रहा हूँ गाइस, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब लेजेंडरी पोकेमॉन आया करते थे। गाइस बाय बाय, लव यू ऑल।